अमेरिका से आप निकाल रहे हैं जी, और अमेरिका की जो इकाई है मतलब अनन्य की जी, उसके एक संपादक है और आज जितना भी जानकारी है आप उसके प्रधान संपादक हैं अनन्य के। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये तो मालूम है शायद कुछ अन्य देशों से भी निकल रही है जी, वो मुझे बताएं और कौन कौन से देशों से अनन्य पत्रिका निकल रही है। तो नहीं, मैं पहले तो एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण दूं कि मैं प्रधान संपादक नहीं कहता अपने आप को, मैं प्रबंध संपादक हूं। तो मैं थोड़ा सा जो है चाहिए ठीक है ना, तो संपादक हमारे जगदीश व्योम जी हैं। हाँ, हाँ, पत्रिका के। हाँ, हाँ, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी। आपने जो दूसरे देशों की बात की वो मैं करना चाहूंगा और इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा उत्साहित हूँ। अच्छा, तो उसकी जो कहानी कुछ इस तरह से है कि जब हमने अनन्य पत्रिका शुरू की न्यूयॉर्क से, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब हम हिंदी पत्रिका न्यूयॉर्क की वेबसाइट से निकाल सकते हैं तो क्यों ना हम दुनिया के दूसरे देशों से भी एक पत्रिका को निकालें, क्योंकि हर देश में एम्बेसी की एक वेबसाइट होती है। ये पत्रिका को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। आपने उसमें मुझे ये भी याद है आपने जो मुझे भेजा था, दो तरीके हैं उसको देखने जी, के जी। एक तो ये है, एक आप उसका पेज जो है जी जी वो उसमें जी शायद दधीश जी या किसका हाँ, किसका उसमें वो है या नहीं, आप, वो आप तो देखते हैं। बालेंदु दधीश तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही जी, तकनीकी सलाहकार के रूप में। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक फ्लिप बुक हमने जो हाँ हाँ वो फ्लिप, तो वो हमने कहा कि हमने दो तरह से उसको पढ़ा जा सकता है, एक तो पीडीएफ फॉर्मेट में और एक फ्लिप बुक की तरह। तो उसका उद्देश्य ये था कि कुछ लोग चाहते हैं कि उस पत्रिका को किताब की तरह पढ़ा जाए, तो हमने कुछ उसको किताब का रूप देने की कोशिश की जिसमें कि आप पन्ने पलट सकते हैं। दोस्तों, मैं इसलिए विशेष रूप में इस बात का उल्लेख करना चाहा, आपने भेजी और जब फ्लिप बुक के रूप में, और मैंने फ्लिप के तौर पर टच करता था, अगला पेज आता था, ये केवल सुविधा ही नहीं थी बल्कि ये अधिक आनंददायक भी था, एक नया रोमांच भी था कि आप नई तरीके से आप उस पत्रिका को पढ़ रहे हैं जी। जी, हमारे अधिकांश पाठक जो हैं वो पत्रिका को फ्लिप बुक की तरह ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको पन्ने पलटने का सुख मिलता है, एक पन्ने पलटने की आवाज आती है उसमें। तो ये हम लोगों ने एक प्रयोग किया और ये बड़ा पसंद किया जा रहा है। तो अब मैं आता हूँ जो हमने जो वैश्विक उसकी विस्तार की बात की हमने। हाँ, कितने देशों तक जी? वो अब हम लोग करीब 11 देशों तक पहुंच चुके हैं। अच्छा अच्छा, और उसमें लगभग सभी कॉन्टिनेंट से हम लोगों ने हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से निकाल रहे हैं, न्यूजीलैंड से निकाल रहे हैं, यूरोप में हम लोग जर्मनी से, ब्रिटेन से, अब हम लोग बल्गारिया से शुरू करने वाले हैं, अमेरिका में हम लोग अमेरिका से तो निकाल ही रहे हैं, रूस से भी, रूस से, हमें रूस को भूल गया, रूस से हम लोग बहुत अच्छा पत्रिका निकल रही है, और कनाडा से निकल रही है, उधर हम लोग जाएं तो सिंगापुर से निकल रही है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से निकल रही है। और दो देश जिनके बारे में मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा और जिन पे मैं कहूंगा कि हमें सबसे ज्यादा गर्व है, वो है तंजानिया और केन्या। अच्छा अच्छा, तो ये मैं यहाँ पे इसको रेखांकित करना चाहूंगा कि जब हम भारत से बाहर हिंदी की बात करते हैं तो अक्सर हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, अधिक से अधिक हम यू नो सिंगापुर की बात कर लेते हैं, लेकिन कोई अफ्रीका में हिंदी के बारे में नहीं सोचता। और हमें बड़ी खुशी है कि हम इन दो देशों से अनन्य के संस्करण निकाले जा रहे हैं, तंजानिया और केन्या। और हम लोग कुछ और देशों को जोड़ने वाले हैं अफ्रीका से। और यहाँ पर यह भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जब हम बात करते हैं तंजानिया से निकलने वाली अनन्य की, तो वो पूरी तरह से तंजानिया से ही निकल रही है, वहीं के लेखक हैं, वहीं के संपादक हैं, वहीं की पूरी टीम है। तो ये क्या ये केवल तंजानिया तक बात है या सभी मुल्कों में, सभी ना, बिल्कुल सभी देशों में ये जो इसी प्रकार से बिल्कुल इसी वही लेखक है, बिल्कुल संपादक वही है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। क्योंकि हम चाहते वही थे कि हम हर देश में हिंदी का एक छोटा सा बीज बोए, है ना, और ये इस पत्रिका के माध्यम से हमने इन देशों में हिंदी का एक छोटा सा बीज बोया है। और जो हमारा जो दीर्घ लॉन्ग टर्म जो हमारा
जो हमारा स्वप्न है वो ये है कि इस छोटे से पौधे के चारों तरफ हम लोग उस देश की संस्कृति को लेकर आए, उस देश के अनुभवों को लेकर आए, उस देश के त्योहारों को लेकर आए, उस देश में जो लिखा जा रहा है उसे अनुवाद के माध्यम से लेकर आए। मुझे 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 मतलब मुझे जो है अब भारत के संदर्भ में जी एक पुस्तक की याद हुआई जी और वो पुस्तक पुरानी है, रामधारी सिंह दिनकर की जी संस्कृति के चार अध्याय। किस प्रकार से जो एसिमिलेशन होता है संस्कृतियों का, ये निश्चित रूप में बड़ा श्लाघ्य है और श्लाघनीय कदम है आपका कि न केवल भाषा या साहित्य बल्कि सांस्कृतिक विरासत जो उस मुल्क की है उसको भी उसमें आप दर्ज करना चाहते हैं। नहीं, आपने सही कहा और मैं इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं दिनकर जी के उसमें, कि दिनकर जी के समय में ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तकनीक इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, वहां पर अपने अनुभवों को साझा करना इतना आसान नहीं था, अपनी आवाज को, अपने वीडियो को जितनी सरलता से अब हम साझा कर सकते हैं वो दिनकर जी के समय में नहीं था। तो हम उसी बात को जो दिनकर जी ने कहा उसी को हम एक कदम आगे ले आना चाहते हैं कि तकनीक के माध्यम से विभिन्न देशों की संस्कृति, जैसे मैंने कहा वहां के त्योहार, वहां के अनुभव, वहां का जो साहित्य लिखा जा रहा है उस सब को अनुवाद के माध्यम से एक वैश्विक मंच पर हम लोग ला रहे हैं और वो वैश्विक मंच हिंदी के माध्यम से। बहुत 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 प्रशंसनीय बात है। जापान, जापान से हम लोग अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन हम लोग करने वाले, क्योंकि मुझे ये ध्यान है जापान में हमारे मित्र हैं सुरेश रेतुपन, वो वहां पर बहुत दिन प्रोफेसर रहे और वहां पर हिंदी के लिए काफी अच्छा माहौल वहां पर है। बिल्कुल, शायद वहां पर भी हो सकता है। नहीं, निश्चित रूप से हो सकता है। और आपने जापान की बात की तो मैं भूल गया था चीन को मेंशन करना। चीन से हम लोग निकाल रहे हैं पत्रिका। हाँ, तो ये ना हमारे मित्र दूसरे मित्र हैं एक और डॉक्टर नवीन चंद्र लहोनी जी, चौरी चौरा सिंह यूनिवर्सिटी में है, ये बहुत दिन रहे वहां पर। चीन के लिए भी निकाल सकते हैं। चीन से तो निकल रही है, शुरू हो गई है। जी, शुरू कर दी है। अच्छा, मैं भूल गया था उसको मेंशन करना। चीन से हम लोग निकाल रहे हैं और जापान में भी हमारी बात हो रही है। मिजोकामी जी इतनी वृद्ध हो गए हैं लेकिन उन्होंने उसमें रुचि दिखाई है और हम उनको साथ लेकर चलेंगे। और आपने जो नाम बताए ऋतुपर्ण जी तो है ही, तो निश्चित रूप से हम लोग जापान में भी हम लोग निकालना शुरू करेंगे एक दो महीने के अंदर। अच्छा, चलिए, भाषा से हम अनन्य और तुम कई कविता की पाठशाला भी आपने मुझे जोड़ा था उसमें। हाँ, कविता की पाठशाला आप जानते हैं कि हमने वो भी अभी चल रही है। बिल्कुल चल रही है। मैं थोड़ा सा बीच में जी वो हो गया था ना। हम लोगों ने लगभग सभी विधाएं उसमें कवर की। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है कविता की पाठशाला में न केवल गीत, मैं नवगीत लिखता हूँ तो भैया मैं नवगीत के साथ जोड़ा आपने मुझे न गजल जी, हाइकू, दोहे और वो है ना पंजाब का जो है वो माहिया है ना, इन तमाम अलग अलग विधाओं में आपने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत से लोगों को जोड़ा। मेरे भी एक मित्र कुंडलियां मैंने बल्कि मेरे एक मित्र हैं वहीं अमेरिका में अरुण शर्मा, उनको वो गजल लिखने वाले। हाँ, अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, जुड़े हैं ना। तो मैंने आपसे कहा था, उन्होंने कहा कि मैं तो लोगों ने सीखा है वहां से ऐसा है, तो वो भी कविता की पाठशाला भी बहुत महत्वपूर्ण काम है उनका। ये आपने सीखने की जो बात की मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने गजल पे शुरू किया था फिर जी और गजल जैसा कि आप जानते हैं कि गजल में सबसे ज्यादा सीखने की चीजें हैं, उसके व्याकरण उसके ना, तो गजल की हमारी पाठशाला थोड़ी लंबी चली, कई कई महीने तक चलती रही और फिर उसका जो सबसे सुखद परिणाम हमारे सामने आया कि कविता की पाठशाला में जो गजल लिखना सीख रहे थे उन्होंने इतनी गजलें लिख दी और उनमें से मैं ये नहीं कहूंगा कि हर गजल बहुत अच्छी थी लेकिन उसमें से इतनी गजल अच्छी थी कि हम उसे एक पुस्तक रूप में दे सके और वो पुस्तक प्रकाशित हो गई है आगाज के नाम से। और उसमें मुझे खुशी है कि मुझे जानकारी नहीं थी कि वो पूरी तरह से जो गजलें गजल की कविता की पाठशाला में लिखी गई सिर्फ वही गजलें, तो ये एक तरह से मैं बड़ा खुशी होती है कि हम कुछ कर पाए। बहुत ही वो स्थाई महत्व की बात हो गई, वो पुस्तक प्रकाशित हो गई है आगाज के नाम से। अरे वाह, मैं आप उसकी एक कॉपी भेज जी।
अच्छा साहित्य, चलिए हम थोड़ा साहित्य पे आ जाते हैं जी, है ना, भाषा के साथ। हम बहुत सारा साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं, हम केवल कविता तक बात रखते हैं जी, जी। आप विश्व से जुड़े हुए हैं, हम तो बस यही हिंदुस्तान से ही हैं। क्या स्थिति कविता की, हिंदी कविता की बात करूंगा, अभी तो आप तो वैसे भारतीय के संदर्भ में बात कर रहे थे, लेकिन मैं फिलहाल हिंदी की क्या स्थिति समझते हैं आप? ये थोड़ा सा मैं सवाल को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको जी जी मैं कई बार आपको बताऊंगा मन की बात जी 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 कई बार, बल्कि जगदीश पंकज है हमारे मित्र जी जी, है ना, उनका पहला संग्रह आया था जी, और मुझे भी बुलाया, तो मैंने कहा भाई मैंने कह दिया तुम्हारे ऊपर, तुमने कह दिया उनके ऊपर, उन्होंने कह दिया इनके ऊपर, नवगीत नवगीत की समीक्षाएं भी हो गई, सब काम हो गया जी जी। लेकिन हमें देखना है कि नवगीत की आधुनिक हिंदी कविता परिदृश्य में क्या स्थिति है जी 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 जी, जी। नवगीत के समीक्षक ने नवगीत के एक संग्रह पर या चार संग्रह पर या किसी एक व्यक्ति पर लिख दिया जी। इसी प्रकार से मैं अब बात कर रहा हूं हिंदी कविता की जी जी। हिंदी कविता निश्चित रूप में एक छंद से मुक्त हुई, सब जानते जी, हैं अंगे से तार सप्तक के माध्यम से मामला शुरू हुआ जी, जी, पर आगे बढ़ता गया जगदीश गुप्त और साठोत्तरी कविता इत्यादि इत्यादि, मैं उसको अधिक डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं जी, लेकिन सब जानते हैं, आप भी जानते हैं जी, ये तो है, और बहुत इतनी कविताएं लिखी जा रही है जी, वो भी सही है, लेकिन फिर भी क्या विश्व के स्तर पर हिंदी कविता की स्थिति वैसी है जैसी कि अन्य मुल्कों की कविताओं की हो सकती है या होती है? जी जी, तो यहाँ पर धन्यवाद समझाने के लिए, तो मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। तो पहली बात तो ये कि जब आप विश्व में हिंदी कविता की बात कर रहे हैं, तो जहां तक मेरी समझ है आपने जो भारत में हिंदी कविता लिखी जा रही है वो तो है ही, आपने उसमें वो और जोड़ दिया कि जो भारत से बाहर हिंदी में कविताएं लिखी जा रही हैं, तो वो विश्व में हिंदी कविता बन गई? नहीं, अच्छा, मेरा आशय वो नहीं था जी, जी। चाहे वो प्रवासी हो जी, वो लिख रहा शायद प्रवासी की बात कर जी, जी, नहीं, नहीं, जी, वो नहीं बात कर रहा, चाहे वो भारत से बाहर लिखे जी, तो भी वो हिंदी कविता है, चाहे भारत में लिखे जी, तो भी हिंदी कविता जी, मैं समग्र रूप में, समग्र रूप, ठीक है ठीक है, तो फिर मैं एक समग्र रूप में जवाब देता। तो देखिए मेरी पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने कभी अपने आप को बड़ा साहित्यकार नहीं माना नहीं समझा, क्योंकि मैंने विधिवत रूप से हिंदी बहुत कम पढ़ी है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है मैं कुछ उसको इस तरह से रखना चाहूंगा कि पहली बात तो आप ये देखिए कि जब आप हिंदी कविता की बात करते हैं तो हिंदी कविता के पाठक कितने रह गए हैं, एक बात तो ये थोड़ा मुझे विस्तार में गए बिना थोड़ा सा चिंतनीय मुझे लगता है, ठीक है, अच्छा अच्छा है ना, चिंतनीय, चिंतनीय बिंदु, अच्छा बिंदु, अच्छा है ना। अच्छा, दूसरी बात जहां तक मेरी समझ, जहां तक मैं इसको परिभाषित करता हूं, मैं हिंदी कविता को, अब हिंदी कविता की बात कर रहे हैं तो दो भागों में बांटता हूं उसको, एक तो जो हिंदी कविता जो लिखी जा रही है, जो पढ़ी जा रही है ना वो, और एक दूसरी, अब आप उसको सहमत हो या ना हो, लेकिन कवि सम्मेलनों की जो कविता है, एक वो भी एक अलग चीज है। मैं प्रायः आपके ही शब्दों को बड़ा करके मुझसे बंगलौर में किसी ने प्रश्न किया था, तो मैंने कहा भाई मेरी दृष्टि में इस समय दो तरह की कविताएं हैं, मैं उसको थोड़ा शब्द दे रहा हूं जी जी, एक पाठ्य है जी जी और एक श्रव्य है, श्रव्य, बिल्कुल बिल्कुल वही, बिल्कुल बिल्कुल है ना, और इन दोनों के जो जो ऑडियंस है वो ऑलमोस्ट अलग अलग है, है ना, पढ़ने वाले जो हैं वो पढ़ते ही हैं, वो कवि सम्मेलनों में नहीं जाते, और कवि सम्मेलनों की जो 80-90% मैं कहूंगा जो श्रोता हैं वो किताब को नहीं पढ़ते, है ना, तो ये दो अलग अलग बातें होंगी। क्या अमेरिका में जी इस तरह का कवि सम्मेलन जो हमारे यहाँ होता है या वहां जाकर होने लगा है वैसा जी, होता है जी, अंग्रेजी भाषा का, हिंदी का नहीं? अच्छा नहीं, अंग्रेजी भाषा में तो इस तरह का नहीं, ये कविता नहीं, कवि सम्मेलन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां पर पढ़ी आती हैं लेकिन वो बिल्कुल अलग, इस तरह से नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, जो विशेष रूप से जो कवि सम्मेलनों का जो जो आजकल स्तर या जो एक रूप, एक वो ढांचा सा बन गया है वो बिल्कुल नहीं है वहां पे अमेरिका में।
तो अमेरिका, चलिए चलिए ये काफी अलग अलग प्रकार की बात, काफी आपका मैंने समय ले लिया, मैं आता हूँ। आप कविता लिखते हैं अनूप जी, है ना, शुरू से की है, तो फिर क्यों हम मैं आपको ऐसे कैसे जाने दूं कि आज की बातचीत, क्योंकि समय बहुत हो गया है, कई सारी बातें हमारी हुई हैं तो उसमें अब ये तो डिटेल्स में बहुत सारी बातें विस्तार की, चाहे कविता को लेकर, पाठ्य को, शब्द को लेकर, हिंदी को लेकर, क्या काम, बहुत सारी बातें हो सकती है। अब हम पहुंचते हैं आपकी कुछ कविताओं के पार्ट से जो भी आपको नहीं, मुझे जो भी नहीं, मैं सुनाना चाहूंगा, फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने आप को कभी कोई बड़ा कवि नहीं समझा, लेकिन मैं लिखता हूँ कविताएं, कविताओं से मुझे आपकी तो कविताएं चाहे प्रेम की हो और चाहे हो, मैं फेसबुक पर पढ़ी है और बड़ा मन से पढ़ी है, और बड़े अच्छे ढंग से मुझे मालूम, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, मैं एक कविता सुनाने का मन कर रहा है, जो कविता के बारे में ही कविता है जी, कि कविता का जन्म किन किन परिस्थितियों में होता है। मैंने छोटे छोटे से बिंब लेने की कोशिश की है, तो देखिएगा, कविता का शीर्षक है कविता बनी, और वो कविता कैसे बनती है उसके बारे में जी। तो पहला देखिए कि मैंने कहा कि टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में जब खुद की खुद से न बनी, टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में जब खुद की खुद से न बनी, कविता बनी। वाह 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 वाह। इसका दूसरा है कि कल्पना की उड़ान में सपनों के जहान में, कल्पना की उड़ान में सपनों के जहान में मिट्टी के घरौंदे बनाते जब उंगलियां सनी, कविता बनी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और मैंने कहा कि फूलों से गंध चुरा तितली से रंग, फूलों से गंध चुरा तितली से रंग, एहसास के समंदर में सीपियां चुनी, कविता बनी। और एक देखिए कि बात मीठी कही बात मन से कही, बात मीठी कही बात मन से कही, ढली शब्दों में जब चाशनी, कविता कविता बनी। वो मिठास जी, इसके साथ मिठास तो होनी चाहिए कविता। और एक देखिए प्रेम का कि कुछ कहा ना सुना सिर्फ देखा किए, प्रेम की चरम अनुभूति कह लीजिए, कि कुछ कहा ना सुना सिर्फ देखा किए, मूक थे होंठ फिर भी सुनी, कविता कविता। वाह वाह वाह। और एक अंतिम जो मुझे पसंद है, हाँ जी जी, कि सिर्फ अपनी नहीं पीर जग की सही। वाह वाह वाह। कविता निज से पर तक की यात्रा की, जो कविता का जो सामाजिक दायित्व कह लीजिए, कि सिर्फ अपनी नहीं पीर जग की सही, और पूरे युग की व्यथा शब्दों में जनी, कविता कविता। वाह वाह। और सुनना चाहेंगे? जी 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 बिल्कुल। चलिए चलिए, मैं एक एक और मैं एक और कविता सुनाता हूँ। हम तो चाहेंगे कि और सुनना सुनाते हैं, मैं समय की बात है। जी जी, मैं एक कविता और, उसमें भी हाँ, मैं दो कविताएं छोटी छोटी, दोनों का शीर्षक है सुनो। स्वागत स्वागत। तो छोटे छोटे से बिंब लिए हैं मैंने जी, कि सुनो अब अपनी नजरें उठाओ और पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेदना बंद करो। वाह वाह वाह। सुनो, ये डायमंड डायनेमिक इमेजरी है, ये गतिमान बिंब भी वो एक स्थिर होता है ना जी जी, लेकिन क्योंकि ये है ना अंगूठे से आप ये, इसे हम गतिमान बिंब कह रहे हैं। वाह धन्यवाद। सुनो अब अपनी नजरें उठाओ और पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेदना बंद करो, मैं समझ गया पगली, लेकिन कोई ऐसे भी कभी अपने दिल की बात कहता है। क्या बात है। और इसी में दूसरी जो है अच्छी, बहुत अच्छी व्यक्ति है, उसका भी शीर्षक वही है सुनो जी। मैंने कहा कि सुनो, तुम जानती हो
मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता है। सुनो, तुम जानती हो मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता है, फिर बता सकोगी मुझे मेरा विस्तार अनंत सा क्यों लगता है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर कविताएं अनूप जी ने सुनाई। ये बेशक अनूप जी कहते हैं इस बात को, लेकिन कि कवि नहीं हूं मैं, कविता से नहीं, लेकिन सच बात यह है कि ये बहुत अच्छे कवि हैं। बात खुद कविताएं बोल रहे हैं, इनकी कविता के आधार बोल रहे हैं। और निज से जहां तक प्रेम का प्रश्न है, सभी जानते हैं कि प्रेम तो एक आधार तत्व है, मैं समझता हूं, कविता के लिए या रचना के लिए, सृष्टि के लिए। संपूर्ण सृष्टि का आधार भी प्रेम ही है। तो प्रेम की कविताएं भी सुनी, निज से पर तक की यात्रा भी सुनी, हिंदी के बारे में बातचीत भी सुनी। मैं एक बार फिर अनूप जी आपका धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए और इतनी बातचीत करने के लिए, इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। मेरा सौभाग्य रहा आपसे बात करना और आपने समय निकाला मुझसे बात करने के लिए। और जैसा मैं कहता हूँ कि जो चीजें मुझे प्रिय हैं उनके बारे में मुझे बात करना अच्छा लगता है। तो आपने अनन्य की बात की, कविता की, पाठशाला की बात की, कविता की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आज हमने बात की अनूप जी से, अमेरिका से पधारे हुए श्री अनूप भार्गव जी से। फिर देखते हैं कभी किसी खास व्यक्तित्व के साथ दोबारा भविष्य में बात करने का मौका मिले। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार।